नमस्कार, मैं प्रिया। आज 6 सितंबर, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में मजदूरों की बढ़ेगी न्यूनतम मजदूरी। बिहार में बदलाव, फसल क्षति मुआवजे का नियम। मैट्रिक इंटर के परीक्षार्थी भूल कर भी ना करें इस बात को नजरअंदाज। अब मोबाइल टावर लगवाने के लिए नहीं लगाने होंगे विभाग के चक्कर। बिहार में कोविड-19 के मिले 10 से कम मामले। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSMSSB जयपुर ने निकाली रिक्तियां। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने कंप्यूटर संगणक के कुल मिलाकर 250 पद पर आवेदन की मांग की है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास गणित, सांख्यिकी और अर्थशास्त्र के साथ स्नातक डिग्री या समकक्ष और कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा या समकक्ष कोई डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 7 अक्टूबर 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। बिहार में मजदूरों की बढ़ेगी न्यूनतम मजदूरी। बिहार के सभी मजदूरों के लिए खुशखबरी। श्रम संसाधन विभाग ने न्यूनतम मजदूरी की दर में 15 रुपए तक रोजाना बढ़ोतरी करने का एजेंडा तैयार किया है, जिस पर जल्द ही अंतिम मुहर लगेगी। विभाग ने मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने को लेकर प्रस्ताव तैयार कर लिया है। जानकारों की माने तो 1 अक्टूबर से इसे लागू किया जाएगा। हालांकि जानकारों का यह भी कहना है कि समिति की मंजूरी के बाद विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि करने का फैसला लिया जाएगा। वर्तमान समय को देखें तो सरकारी कर्मियों को सरकार महंगाई भत्ता देती है। ज्ञात हो, इस प्रस्ताव में मजदूरों के वर्गीकरण के अनुसार उन्हें लाभ मिलेगा। बदला फसल क्षति मुआवजे का नियम। प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों के फसल को होने वाली क्षति के कारण मिलने वाले मुआवजे के नियम में सरकार ने बदलाव कर दिया है, जिसके तहत अब बिहार सरकार ने किसानों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए यास तूफान से हुए फसल नुकसान की भरपाई के लिए राशि का वितरण और आवेदनों की जाँच साथ साथ कराने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, सरकार ने नए नियम के अनुसार अब किसान की खेती में तस्वीर लेना जरूरी नहीं है, इसकी जगह पर कृषि समन्वयक को शपथ पत्र देना होगा कि जाँच में किसान का दावा सही पाया गया है या नहीं। मुआवजा वितरण में तेजी लाने के लिए कृषि विभाग ने अभी से ही जिलों से आपदा प्रबंधन ADM की सूची मांगी है। ADM की मुहर के बाद ही भुगतान किया जा सकेगा। ज्ञात हो, सरकार ने यह बदलाव कोविड-19 के वर्तमान माहौल को देखते हुए किया है। सूबे के हर प्रखंड में स्टेडियम बनाने की हो रही है तैयारी। सूबे के सभी प्रखंड में स्टेडियम के निर्माण की तैयारी हो रही है। ज्ञात हो, बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने पहले ही आने वाले समय में कई अहम फैसले लेने के संकेत दिए थे। इसी कड़ी में अब हर प्रखंड में स्टेडियम बनाने की कवायद तेज कर दी गई है। सरकारी जानकारों के अनुसार खेल को बढ़ावा देने के लिए 6,61,00,000 की राशि से सुपौल में खेल भवन का निर्माण किया जाएगा। इस बाबत सूबे की कला संस्कृति और युवा विभाग मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन ने भी अपना बयान जारी कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने साफ कहा कि जब से केंद्र में NDA की सरकार बनी है, खेल और खिलाड़ियों की अपार संभावनाएं बनी है। राज्य की NDA सरकार खेल और खिलाड़ियों के लिए कई तरह की योजनाएं बना रही है। मेगा टीकाकरण अभियान में शिवहर को मिला सम्मान। हाल ही में कोविड-19 के रोकथाम को लेकर पूरे बिहार भर में मेगा टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई थी। इसी बीच बीते दिन बिहार के ऐसे जिले को चिन्हित किया गया जहां पर मेगा टीकाकरण अभियान में सबसे सराहनीय काम किया गया, और वो जिला था शिवहर, जिसके तहत मेगा अभियान में शिवहर में रिकॉर्ड 17,182 लोगों का टीकाकरण हुआ है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, टीकाकरण कराकर सूबे में पहला स्थान प्राप्त करने वाले शिवहर DM सज्जन राजशेखर को सम्मानित भी किया गया, जिसके तहत ही स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के प्रशस्ति पत्र से DM सज्जन राजशेखर को सम्मानित किया गया। पर मुख्य सचिव ने इसका प्रमाण पत्र जारी कर DM की पहल की सराहना भी की। कैसा रहेगा आपके जिले के मौसम का हाल? IMD पटना द्वारा मिली जानकारी के अनुसार उत्तर पश्चिमी बिहार के जिले पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण और गोपालगंज जिले में आज कुछ ही जगहों पर बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तर मध्य बिहार के जिले सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर में आज कुछ जगहों पर बारिश को लेकर अनुमान जताया गया है। अन्य जगहों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही उत्तर पूर्व बिहार के जिले सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया जिले में कुछ ही स्थानों पर आज बारिश का अनुमान है। वहीं दक्षिण पश्चिम
बिहार के अगर हम जिलों की बात करें तो सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया जिले में कुछ स्थान पर आज बारिश का अनुमान है। वहीं दक्षिण पश्चिम बिहार के जिले बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल के कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। दक्षिण मध्य बिहार के जिले पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय जिले में आज कुछ जगहों पर हल्की बारिश का अनुमान है। वहीं अन्य जगहों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वहीं दक्षिण पूर्व बिहार के जिले कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया के जिले के अधिकतर जगहों पर आज बारिश की उम्मीद जताई गई है। राजनीतिक दलों का झंडा बैनर लगाने पर होगी सजा। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां लगातार जारी है। पहले चरण के मतदान को लेकर नामांकन की प्रक्रिया भी की जा रही है। इसी बीच पंचायत चुनाव को लेकर एक और अहम जानकारी साझा की गई है, जिसके तहत आयोग ने साफ किया है कि चूंकि यह दलीय चुनाव नहीं है, ऐसे में कोई भी उम्मीदवार प्रचार में अपनी पार्टी के झंडे या बैनर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर ऐसा किया तो फिर निर्वाचन आयोग वैसे प्रत्याशी पर आचार संहिता के उल्लंघन की कार्रवाई करेगा और उसकी जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। इसके साथ ही उनकी उम्मीदवारी भी जा सकती है। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द उम्मीदवारों के जुलूस की वजह से आम लोगों को परेशानी ना हो, इसको लेकर कदम उठाया जाए। इसके लिए उम्मीदवारों को कई निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। आयोग ने किसी भी जुलूस के शुरू होने का समय और स्थान किस वर्ग मार्ग और कहां पर किया जा रहा है और किस समय और स्थान पर समाप्त होगा, यह पहले से तय करके पुलिस पदाधिकारियों को अग्रिम रूप से अनुमति लेने की बात कही है। मैट्रिक इंटर के परीक्षार्थी भूल कर भी ना करें इस बात को नजरअंदाज। अगर आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक और इंटर के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो आपके लिए ये खबर कुछ खास है। बिहार बोर्ड ने हाल ही में मैट्रिक और इंटर के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने वाले छात्रों के लिए अहम जानकारी साझा की है, जिसके तहत बोर्ड ने यह साफ कहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से साल 2022 में होने वाली परीक्षा में जो भी छात्र रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं उनका अपने माता या पिता के नाम में केवल एक या दो अक्षरों में स्पेलिंग मिस्टेक ही सही करा पाएंगे। बोर्ड ने कहा है कि केवल नाम में लघु स्पेलिंग जैसे ए, ई, के, एम समेत अन्य लेटर को ही सुधारा जा सकता है। इसके साथ ही बोर्ड ने बताया है कि अगर संशोधन के दौरान किसी परीक्षार्थी की पूरी पहचान ही बदल जाती है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे अमित दत्त की। अमित दत्त का जन्म 6 सितंबर 1973 यानी कि आज ही के दिन बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। अमित दत्त एक भारतीय वैज्ञानिक, अनुशासनविद और टाटा मेमोरियल सेंटर के एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एडुकेशन इन कैंसर के प्रमुख अन्वेषक है। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर पर अपने अध्ययन के लिए जाने जाने वाले दत्त एक वेलकम ट्रस्ट डीबीटी इंडिया अलायंस इंटरमीडिएट फेलो है। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भारत सरकार की सर्वोच्च एजेंसी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने उन्हें 2017 में चिकित्सा विज्ञान में उनके योगदान के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया, जो सर्वोच्च भारतीय विज्ञान पुरस्कारों में से एक है। इंडिगो मैनेजर के मामले में हुआ एक बड़ा खुलासा। इंडिगो मैनेजर रुपेश सिंह के मामले में बड़े दिनों बाद एक और अहम जानकारी निकल करके सामने आई है, जिसके तहत फॉरेंसिक जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि रुपेश सिंह की जान लेने के मुख्य आरोपी ऋतुराज के साथी सौरभ ने भी रुपेश सिंह पर गोली चलाई थी। यह उस समय भी लगभग स्पष्ट था कि रुपेश सिंह पर दो लोगों ने निशाना साधा था। हालांकि आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन अब फॉरेंसिक रिपोर्ट में इस बात की भी पुष्टि कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इंडिगो मैनेजर रुपेश सिंह जब अपने काम से घर वापस लौट रहे थे तो उनके घर के सामने ही ऋतुराज समेत पकड़े गए सभी लोगों ने मिलकर उन्हें छलनी कर दिया था, जिसके कारण सभी आरोपितों ने रोड रेज बताया था। अब मोबाइल टावर लगवाने के लिए नहीं लगाने होंगे विभाग के चक्कर। अगर आप भी मोबाइल टावर या अंडरग्राउंड ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए यह खबर खास है। सूबे के शहरी इलाकों में मोबाइल टावर या अंडरग्राउंड ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए अब आपको विभाग के चक्कर नहीं लगाने होंगे, बल्कि अब मोबाइल टावर, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स और संबंधित दूरसंचार अवसंरचना नियमावली 2020 की मंजूरी मिलने के बाद मोबाइल टावर या अंडरग्राउंड ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने से संबंधित आवेदन को ऑनलाइन ही वेबसाइट rowbihar.in पर जाकर जमा कर सकते हैं। विभागीय आंकड़ों के अनुसार अब तक 3,918 ऑनलाइन आवेदन मिले हैं, जिनमें से 25 को NOC दी जा चुकी है। बिहार के 20 शिक्षकों को किया गया पुरस्कृत। बीते दिन शिक्षक दिवस के मौके पर बिहार के 20 शिक्षकों को पुरस्कृत किया गया, जो कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। हालांकि इनमें से 2 शिक्षकों को राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित करवाया गया, वहीं बाकी बचे 18 को शिक्षा मंत्री ने सम्मानित किया, जिसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित शिक्षकों में चंदना दत्त और हरिदास शर्मा शामिल है। इन्हें राज्य सरकार ने भी सम्मानित किया है। इस बाबत शिक्षा मंत्री ने सभी शिक्षकों को बधाई तो दी ही, साथ ही ये भी साफ कहा कि हमारे शिक्षक ईमानदार हैं, हर परिस्थिति में काम करते हैं। सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं हैं, सम्मानित शिक्षक दूसरे को प्रेरित करेंगे। वहीं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा है कि शिक्षक हमारे रोल मॉडल है, जितने अच्छे शिक्षक होंगे विद्यार्थी उतने ही प्रखर होंगे। सरकार शिक्षकों की भलाई के लिए लगातार काम कर रही है।
डीएलएड विशेष परीक्षा का कार्यक्रम हुआ घोषित। बीते दिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड विशेष परीक्षा 2020 के परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा कर दी है, जिसका आयोजन 20 सितंबर 2021 से 24 सितंबर 2021 तक दो पालियों में पटना के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार पहले पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दूसरे पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। वहीं परीक्षा को लेकर एडमिट कार्ड भी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा, जिसके तहत अब इच्छुक और योग्य उम्मीदवार secondary.biharboardonline.com पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। नेपाल में हुई बारिश का बिहार में दिखा असर। नेपाल में हो रही लगातार बारिश का बिहार में भी असर देखने को मिल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार में बागमती और बूढ़ी गंडक में एक बार फिर से उफान आ गया है। रविवार को कमला नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा। गंडक नदी का डिस्चार्ज रविवार को वाल्मीकि नगर बैराज पर 1,63,000 घनसेक देखा गया। इसके साथ ये नदी गोपालगंज में उतरकर लाल निशान से 97 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। मुजफ्फरपुर में मात्र 2 सेंटीमीटर ऊपर है। हालांकि बढ़ा क्षेत्र में 1,18,000 और बैराज पर 1,50,000 घनसेक पानी आ रहा है। कोसी क्षेत्र में पानी थोड़ा सा उतरी है और खगड़िया में लाल निशान से 177 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। बागमती नदी का जलस्तर 24 घंटे में सीतामढ़ी में 1 सेंटीमीटर ज्यादा ऊपर चढ़ा है। बिहार विधानसभा सचिवालय के अधिकारी ट्रेनिंग के लिए जाएंगे लोकसभा। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला से बीते दिन मुलाकात की। इस दौरान प्रशिक्षण के लिए बिहार विधानसभा सचिवालय के कर्मियों की टीम लोकसभा भेजे जाने पर लोकसभा अध्यक्ष ने सहमति दे दी है। इसके साथ ही इस मुलाकात के बाद उनसे सदन के सकारात्मक कार्रवाई को लोकतंत्र की मजबूती और बिहार विधानसभा के सतत प्रयास और साथ ही साथ बिहार विधानसभा भवन शताब्दी समारोह के आयोजन पर बातचीत की गई। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने विजय सिन्हा से कहा कि बिहार विधानसभा अपने काम से संसदीय प्रणाली और लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत बनाकर बिहार को विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़े, यही हमारी कामना है। कोविड-19 के मिले 10 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 8 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 64 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो पटना में 2, रोहतास में 1, समस्तीपुर में 3, शेखपुरा में 1 और वेस्ट चंपारण में 1 मामले की पुष्टि हुई है। इसके अलावा अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, ईस्ट चंपारण, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पूर्णिया, सहरसा, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, वैशाली में 1 भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,58,698 सैंपल की जांच की गई। इसके साथ ही 8 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। मंत्री मंगल पांडे ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक इलाज मुहैया करवाने की कही बात। बिहार के कई इलाके इन दिनों बाढ़ की चपेट में है, ऐसे में बिहार प्रभावित इलाकों में प्राथमिक इलाज मुहैया करवाए जा रहे हैं या नहीं, इस बात को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। इस बाबत अब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अपना पक्ष साफ किया है, जिसके तहत उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जल जमाव से प्रभावित लोगों को आपात स्थिति में त्वरित प्राथमिक उपचार की सुविधा दी जा रही है। प्रभावित क्षेत्रों में जरूरी दवाओं के साथ साथ चिकित्सकों की टीम को भी तैनात कर दिया गया है। इसके साथ ही ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव से लेकर के हैलोजन टैबलेट को जिला अंतर्गत आकलन कर उसकी उपलब्धता सिविल सर्जन को करवा दी गई है। इतना ही नहीं, मंगल पांडे ने यह भी बताया कि बाढ़ और उससे उत्पन्न जल जनित महामारी के रोकथाम के दौरान कोविड के संक्रमण से बचाव के समुचित उपाय भी किए जा रहे हैं। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जेईई की परीक्षा देना अनिवार्य। अब तक बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको जेईई की परीक्षा में पास होना जरूरी होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। बिना जेईई मेन के आधार पर भी बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन का मौका मिल सकता है। इसके लिए स्टूडेंट को बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के लिए आवेदन करना होगा। हालांकि इस बात का ध्यान रहे कि अभी भी बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में जेईई मेन के स्कोर पर एडमिशन ही होगा। सीट खाली रहने पर बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के सफल स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन का मौका दिया जाएगा। यानी कि जेईई मेन परीक्षा की अनिवार्यता को खत्म किया गया है, ना कि इसे पूरी तरीके से राहत दी गई है। प्रेमा चौधरी ने जदयू को कहा अलविदा। बीते कई दिनों से प्रेमा चौधरी के जदयू से बाहर आने की खबरें लगातार मीडिया में सामने आ रही थी। हालांकि प्रेमा चौधरी ने इस बात पर कोई स्पष्टीकरण नहीं पेश किया था, ना ही उन्होंने पार्टी से अलग होने जैसे कोई कदम को उठाया था। लेकिन बीते दिन चुनाव के पहले जदयू में शामिल पूर्व विधायक प्रेमा चौधरी ने जदयू को अलविदा कह दिया है, जिसको राजनीतिक जानकार बिहार के सियासी गलियारे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से जदयू को झटका के रूप में देख रहे हैं। जिसके बाद से मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि अगले महीने प्रेमा चौधरी राजद में शामिल हो सकते
सकती है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 2 सितंबर को एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए वैशाली तेजस्वी यादव गए थे, उसी कार्यक्रम में प्रेमा चौधरी भी शामिल हो गई थी। उन्हें तेजस्वी के साथ देखा गया था, जिसके बाद से उनके राजद में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे। एसटीईटी कर्मियों के धरने में पहुंचे तेज प्रताप यादव। बीते दिन शिक्षक दिवस के मौके पर पटना के गर्दनीबाग स्थित धरना स्थल पर एसटीईटी अभ्यर्थी बैठे थे, जो कि एसटीईटी उत्तीर्ण उम्मीदवार अपनी नियुक्ति को लेकर धरना कर रहे थे। इस बीच उनका हौसला बढ़ाने तेज प्रताप यादव पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने अभ्यर्थियों से बात भी की, साथ ही सरकार का भी घेराव किया, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बिहार से पलायन क्यों होता है, राज्य में युवाओं को रोजगार नहीं दिया जाता, साथ ही रोजगार के नाम पर उन्हें लूटने का काम किया जाता है, युवाओं के पेट पर लात मारने का काम हुआ है। चुनाव के दौरान हमने और तेजस्वी ने कहा था कि बिहार के 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, हम लोग देने के लिए तत्पर भी थे। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई घोटाले कर कुर्सी कुमार सत्ता में बैठे हुए हैं। पशुपति पारस ने चुनाव के साथ आने के दिए संकेत। लोजपा अध्यक्ष पशुपति पारस पार्टी की कमान अपने हाथ में पूरी तरीके से लेने की कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं। हालांकि केंद्रीय मंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद उनकी स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इन सबके बीच पशुपति पारस से लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि वो चिराग पासवान के साथ आएंगे या नहीं। इस पर पशुपति पारस ने शुरू से तो ना कहा था, लेकिन बीते दिन बयान के बाद इन दोनों के साथ आने की उम्मीद बढ़ने लगी है। ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान पशुपति पारस ने कहा कि समय बलवान होता है, अगर भतीजा गलती मान ले और प्रायश्चित कर ले तो माफ कर सकता। तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना का श्रेय दिया लालू को, तो वहीं पीएम मोदी को रिमाइंडर भेजने की कही बात। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अक्सर अपने बयानों के कारण सुर्खियों में बने रहते हैं। इसी कड़ी में बीते दिन उन्होंने एक बार फिर से शिक्षक दिवस के शुभ उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान जातीय जनगणना के मुद्दे को उठाया, जिसके तहत पहले तो उन्होंने इस मुद्दे का सारा श्रेय अपने पिता लालू प्रसाद यादव को दिया, जिसके बाद उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर कहा कि इस संदर्भ में हम प्रधानमंत्री के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें ध्यान दिलाने के लिए पत्र भी लिखा जाएगा। भाजपा पर करते हुए तेजस्वी ने कहा कि जो लोग जातिगत जनगणना को जातपात की राजनीति की बात कर रहे हैं, वो धार्मिक गणना का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही तेजस्वी ने जातिगत जनगणना के मुद्दे को जनमुद्दा बनाने का समूचा क्रेडिट अपने पिता को दिया। आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारतीय सेना ने 1965 में 3 जगहों पर सीमा पार कर पश्चिमी पाकिस्तान पर हमला किया था। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार भारत पाकिस्तान सीमा रेखा सुरक्षा के लिए सीमा पर 2011 को लगाई गई फ्लड लाइट के कारण अंतरिक्ष से दिखाई देने वाली विश्व की सर्वाधिक जगमग सीमा रेखा है। स्वतंत्रता सेनानी शरद चंद्र बोस का जन्म 1889 में आज के दिन हुआ था। फिल्म निर्माता यश जौहर का जन्म 1929 को आज के दिन हुआ था। परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक मेजर धन सिंह थापा का निधन 2005 में आज के दिन हुआ था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हरचरण सिंह बराड़ का निधन 2009 में आज ही के दिन हुआ था। भारतीय टीम के हेड कोच रवि शास्त्री मिले कोविड-19 पॉजिटिव। भारत के हेड कोच रवि शास्त्री कोविड-19 पॉजिटिव निकले हैं। उन्हें फिलहाल आइसोलेशन में रखा गया है। उनके साथ 3 स्टाफ मेंबर भी आइसोलेशन में रखे गए हैं। बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने रवि शास्त्री के साथ साथ बॉलिंग कोच बी अरुण, फील्डिंग के आर श्रीधर, फिजियोथेरेपिस्ट नितिन पटेल को एहतियात के तौर पर आइसोलेशन में रखने का फैसला लिया है। इन सबका आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ है और ये सभी टीम होटल में रहेंगे। ये चारों सदस्य टीम इंडिया के साथ तब तक यात्रा नहीं करेंगे जब तक कि मेडिकल टीम से पुष्टि नहीं हो जाती। बीसीसीआई ने अपने बयान में आगे कहा है कि टीम के बाकी सदस्यों का भी फ्लो टेस्ट किया गया है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 5 सितंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,830 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,060 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 65,200 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 103.89 रुपए प्रति लीटर और डीजल 94.52 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अशोक राम, मृत्युंजय कुमार, दिनेश बाबू, दिव्यांशु कुमारी, प्रमोद राम, आभा कुमारी, छोटू कुमार, दीपक कुमार, रंजू देवी, रिया वर्मा, कुमारी अलका, हकीम रॉय, भूपेंद्र गुप्ता, मुन्ना कुमार, कुमार बाबू ऑफिशियल, राम कुमार सिंह, ईमान अनवर। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में मजदूरों के न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने का फैसला सराहनीय है या नहीं, अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।